हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह हो चुकी है, इसमें मैंने पालक बॉईल किया है और ये है मेरे आलू जो बॉईल हो चुके हैं। तो आज मैं पालक आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि एक अलग तरीके से बना रही हूँ मैं। अगर आप बनाना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो आलू को मैंने बॉईल कर लिया, छोटे छोटे आलू थे जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और मैंने छील भी लिया है। और इसमें मैंने डाली है मतलब पालक, जिसको मैं बॉईल कर रही हूँ, तो वो बॉईल हो जाए। तब तक चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या चला। देखिए, पूरे घर में पूरे में सामान इसने फैला दिया, यहाँ से वहाँ पूरे खिलौने सारा कुछ यहाँ से वहाँ। और ये अमिताभ बच्चन का गाना सुनना है यहाँ पे। पूरे घर में ये सामान फैलाता है, देखिए इसको क्या कर रहा है, ये कौन सा डांस है भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इसका कि ये भाई कौन सी डांस कर रहे हैं। मैंने बोला हेलो बोलो तो हेलो बोल रहा है, अब मैंने बोला नमस्ते बोलो तो नमस्ते नमस्ते ऐसे कर रहा है। देख रहे हो कितनी ऊँची हाथ करके नमस्ते करता है ऐसे ही। तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है, इसको मैं कपड़े पहना देती हूँ, पूरा भीग जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने इसको बनियान ही पहना दी है, अभी यही पहनूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे किचन में, तो मैं अपना कर लेती हूँ काम। और इतनी ज़्यादा गर्मी, मुझे भी पसीना आ रहा है। किचन में तो ऐसा होता है ना, हम पूरे पूरे भीग जाते हैं। तो अब चलिए मैं बताती हूँ बनाना कैसे। तो देखिए, मैंने वो प्याज और टमाटर, धनिया, मिर्ची, लहसुन का पूरा पेस्ट, और ये देख सकते हैं पालक को भी मैंने यहाँ पे पीस लिया है। ये पालक पीस लिया, आलू बॉईल करे हुए साइड में रखे हैं। और ये मसाला जो है, इसको हमें तेज़ गैस में पकाना है। ये बैटर था टमाटर, प्याज, आलू, धनिया, मिर्ची वाला। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो इनको देखिए ये क्या कर रहे हैं सेठ जी हमारे, कैसे बैठे हैं आराम से गाने सुन रहे हैं। ये इनका एक अलग ही चलता रहता है। और मैं लगी हूँ अपने कामों में दोस्तों, ये कोई बात नहीं सुनता है मेरी। मैं बोलती हूँ हेलो बोलो तब हेलो बोलेगा, ये कोई बात नहीं सुनता दोस्तों। ये तो आपका कोई बच्चा बात ना सुनता हो तो मुझे बताएं, मेरा भी नहीं सुनता है। तो मैं आगे फिर से यहाँ पे अपनी सब्ज़ी करने के लिए, तो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर, आलू, प्याज, मिर्ची, धनिया का। तो ये शाम का टाइम हो चुका है, 4-5 बजे का टाइम, और मैंने ये आउटफिट पहना है अपने रील बनाने के लिए। तो मैंने थोड़ा सूट कर लिया, और फिर मैंने ये जो रील बनाई ना, उसके बाद ना फिर क्या हुआ कि मुझे अच्छी नहीं लगी वो रील, मैंने डिलीट करी। फिर ये यहाँ पे घूम रहे हैं, फिर मैंने गाइस क्या करा, वो रील ना डिलीट कर दी, क्योंकि पता नहीं मुझे वो अच्छी नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों लग नहीं रही थी। और इसने मेरा जो झुमके मैंने पहने हैं ना, इसमें से एक ग्रीन कलर का झुमका इसने मेरा तोड़ दिया है। ये मेरे सामान के पीछे पड़ा रहता है, इसने मेरा झुमका तोड़ दिया है, पूरे घर में सामान फैला देता है। पूरे घर में रील बड़ी मुश्किल से बना पाती हूँ, शूट भी बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ, पूरे घर में सामान फैला देता है दोस्तों ये। तो इसको मैंने अपने पास बिठा लिया, क्योंकि वो कुछ करने नहीं देता है। तो प्लीज़ आप मेरी रील्स ज़रूर देखें, मुझे फॉलो ज़रूर करें इंस्टाग्राम पे, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। यहाँ व्हाट्सअप, यहाँ पर व्हाट्सअप नहीं, वो यूट्यूब पे मुझे फॉलो ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं लिंक दे दूँगी इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पर जाकर मेरी रील ज़रूर देखें दोस्तों, मैं बहुत अच्छी रील बनाती हूँ। तो ये देख सकते हैं शाम का टाइम, इसी टाइम पे मैं, मौसम आज का अच्छा है, धूप नहीं है, आजकल बारिश ज़्यादा हो रही है, कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय। तो फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर मैंने ये वाला आउटफिट पहना रील शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे वो रील पता नहीं क्यों अच्छी लग रही थी, यहाँ पीछे गाने चल रहे हैं ये सुन रहा है। तो मैंने ये रील, फिर ये देखिए किसी मेरी चप्पल पहनी है इसने इतनी बड़ी, और बैग पे चढ़ा हुआ है, देख रहे हो इसकी हरकत, नमस्ते कर रहा है आप सबको, बैग पे चढ़ा हुआ। फिर मैंने ये आउटफिट पहना, ये टॉप पहना और पैंट पहनी, और फिर मैंने ये लुक किया। फिर इसमें मैंने रील बनाई, तो आप जाकर ज़रूर देखें कैसी लगी मेरी रील, मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँ, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर मुझे फॉलो करें, मेरी रील ज़रूर देखें।
और मुझे बताएं आपको कैसी लगी मेरी रील्स, क्योंकि मुझे ना वो जो सूट मैंने पहना था ना उसका लुक, सूट तो अच्छा था बट जो मैंने लुक किया था ना, क्योंकि बाल मेरे धुले हुए नहीं थे और इस वजह से मुझे उसका लुक थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसका भी नहीं लग रहा, बट इसमें मेरी अच्छी रील बनी है। तो आप ज़रूर देखें और मुझे बताएं कैसी लगी।